देसी छौका देसी स्वाद सबसे बाअलगे अंदाज ये है देसी तड़का विम घर का तड़का। महुआ के तमाम दर्शक लोग के अभिलाषा के प्रणाम। रवो सब के बहुत बहुत स्वागत बा भोजपुरिया खान पान के खुशबू से भरल शो विम घर का तड़का में। उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के आपन पारंपरिक व्यंजन के खुशबू और स्वाद के रवा तक परोसे खातिर हम आगल बानी आरा। साथ बाड़ी आरा के पकड़ी मोहल्ला के डॉक्टर कुमारी सूक्ष्मा जी। कैसा लाग रहा बारो के? बहुत अच्छा लगा था। रवा हमने के एसएमएस कहनी और ठेठ पारंपरिक व्यंजन के हमने के जबरदस्त तलाश रवा लगे ले आई। स्वागत बारो वालों के। तो का खासियत बार और खान पान में और आरा के का खासियत देखे के मिली? आरा ही के खासियत देखे के मिली जोन हमने के शुरू से दादी नानी लोग के देखल चला लाल बन जा ओकरे के संजो के रखले बन जा ओकरा के रुवा के देखाइम हम। चली राउर मुस्कान कर अलवा की कुछ खास देखे के मिली और स्वाद जोन बा आरा के उ जम के हमने ओकर लुत्फ उठाई। साथ में भाई भी बड़े हमने के साथ है शालीन जी। बहुत बहुत स्वागत बा हमने के शो में। आज बहिन राउर ये शो में पार्टिसिपेट कर रहल बानी तो कैसे लाग रहल बा? ये हमने के घर का मास्टर कुक है। ये इनका बनावल खाना में हमेशा हमने के बचपने से स्वाद मिलल बा और आज भी इनके हाथ के कुछ चीज बढ़िया। अब बहिन से बात कर जाओ। श्वेता जी बहुत बहुत स्वागत बा हमने के शो में। नया जनरेशन राउर बेटा और बेटी भी साथ में बड़े तो इन लोग के का रिएक्शन रहे का बहुत पसंद से खाई ले या फिर ओरिजिनल खाना पसंद से खाई ले? बहुत। सुषमा जी के हाथ के जादू हमने के देखल जाए बाकी रो से पहले सुषमा जी रुवा के बताए कि हमने के शो के शुरुआत ऐसे करी ला कि पहले घर किचन और फिर हाथ के जादू तो कहे ना वही से शुरुआत कर जाओ। बिल्कुल चले आए रुवा दिखाए अपन किचन। एकदम दिखाए माई चले चले। आइए अभिलाषा जी रुआ के अपन हम घर देखला हुआ तनी। ये हमारे घर बा। वाह सुषमा जी वो कहा जा रहा ना कि घर के दीवार पर जैसन रंग होला उसे पता चल जाला कि ओमे रहे वाला व्यक्ति के कैसन मन बा। और पेंटिंग्स भी बहुत सुंदर सुंदर घर में सजावल गल बा। भाई ड्राइंग रूम तो बहुत बढ़िया लगल फुल मार्क्स राउर बैठका के। ये मार्क्स का किचन में भी मिली तो दिखाए के पड़ी अपन किचन। चले यहीं दिखाओ तुम। आई अभिलाषा जी हमारे किचन बा। काफी बड़ा किचन बना और पुराना तबा लेकिन एकदम मेंटेन्ड और नया सब सुख सुविधा ये किचन में हमरा के दिख रहल बा। मसाला एकदम सब सामने ही राखल बा और बहुत सुंदर सुंदर बर्तन में सब रखले बानी। बहुत ही सुंदर दिख रहल बा। और हाँ ढेर सारी हरी सब्जी और ढेर सारा नींबू परिवार के सेहत खातिर कहे कि ये नींबू में बा विटामिन सी जो उनके सेहत खातिर बहुत अच्छा होला और साथ ही साथ किचन के साफ सफाई खातिर। और जानी ला ना ये नींबू के गुण बा विम में जो उनके बर्तन के रखेला एकदम चकाचक का कल जाला। हाँ विम हटावे सबसे तेज चिकनाई। क्यों सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। अब राउर एक्सपर्टीज जो बा खान पान के वो चेक तो कर जाए बाकी राउर किचन में ना हमने के किचन में जाने के विम घर का तड़का के किचन में। सूक्ष्मा जी तैयार बानी रहुआ? बिल्कुल तैयार बानी। चले चले आ गई नीजा विम घर का तड़का के किचन में और साथ में बारी आज के किचन क्वीन सूक्ष्मा जी। सूक्ष्मा जी कैसा लगा हमने के किचन? बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट बा। एकदम परफेक्ट। राउर एक्सपेक्टेशन पर एकदम खरा उतरा? एकदम बहुत ज्यादा। और हमने के शुरुआत कर रहल बानी पहला सेगमेंट यानी कि देसी छौका के साथ। तो हमने के किचन क्वीन तैयार बाड़ी और का बना रहल बाड़ी पूछल जाओ इनका से क्या बना रही हैं आप? भरवा दही बड़ा। भरवा दही बड़ा। दही बड़ा के नाम तो भाई सबको ही सुन ले बा बाकी भरवा में का खास बा? ओकर मसाला बहुत सारा भरल रहेला। केकरा से बनावल सीखनी रहुआ? दादी से माँ सीखली माँ से हम सीखने। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही पारंपरिक व्यंजन जोन बा जिंदा बा और आज भी लोग एकरा के खूब पसंद से प्यार से बनावे ले। और ऐसे ही सुषमा जी बना के हमने के सिखाई है कि कैसे बनेला स्टफ्ड दही बड़ा।
बताई का का सामग्री के जरूरत पड़ी? उड़द के दाल के पेस्ट बा, तेल बा, धनिया पत्ता, इमली के मीठा चटनी, एवरेस्ट चाट मसाला जो ओजा रखल बा लेकिन फिर ओजा सुविधा खातिर अपन हम निकाल के रख लेले बानी, दही बा जेकर पानी निकाल देले बानी और सरसों मिर्चा से छौंक देले बानी, किशमिश बा, नारियल के बुरादा, भुनल मसाला बा, चिरौंजी, हरा मिर्च, काला नमक, एवरेस्ट जीरा पाउडर जो ओजा रखल बा लेकिन अपना सुविधा खातिर हम निकाल के ओजा रख देले बानी, अब भुनल मसाला खातिर गोलकी बा, लाल मिर्च, जीरा, अदरक। शुरुआत कर जाओ और सबसे पहले बताई ये जो मसाला रुआ करनी एक पेस्ट एक बार फिर से बता दी ताकि दर्शकन के अच्छा से याद रहे का चीज की जरूरत पड़ी है मैं? अदरक बा, जीरा, लाल मिर्च, गोलकी बा, एक रंग थोड़ा सा किशमिश, चिरौंजी, नारियल के बुरादा डाल बा। तो एक के कैसे पीसनी, सील बट्टा पे ना मिक्सी में पीस ले? अच्छा मिक्सी में पीस लेने बानी और काफी बारीक तो नहीं खे दरदरा बा ते सीधा तरह से मिला थोड़ा सा नमक डाल देवल जला एकरा में अच्छा स्वाद खातिर। ये स्टफिंग हमने के तैयार बा और एकरा साथ है पहले से एक चटनी और दही हमरा के लॉक रहल बा। दही के बारे में रुआ बतावनी कि पानी एकर निकाले वो कैसे? दही के एक कपड़ा में डाल के ओकरा के थोड़ा सा ऊंचाई पर टांग दी अपने आप पानी ओकर टपक जाए। अच्छा गाढ़ापन थोड़ा सा आ जाला ओकरा से थोड़ा सा डाले में ठीक रहेला। और एमे सरसों से छौंका लगेगा? सरसों, लाल मिर्च और थोड़ा सा चीनी और नमक डाल देले बानी। अब बताई का प्रोसेस बा? पहले जो बैटर बा एकरा के ले ली एकरा के फेंटे के पड़े। सुषमा जी कितना आदमी खाते हमने के बना रहल बानी? 7-8 आदमी आराम से एकरा में खा ले। थोड़ा सा क्वांटिटी के बारे में बता दी अगर 500 ग्राम जैसे रवा लेते ने जी 500 ग्राम उड़द के दाल में 30 दही बड़ा बन जाए। अब हमने के एकरा के छाने खाते तैयार बानी? हां तैयार बानी जे। पहले गैस ऑन कर दे, एकदम तेल डाल दे, सरसों के तेल भाई, सरसों के तेल क्रिस्पी बनेला एकरा से जी। अच्छा थोड़ा सा कपड़ा लेंगे, एक कॉटन के कपड़ा बा? हाँ जनरली धोती के जो कपड़ा रहला एकदम पतला जो रहे वो ज्यादा अच्छा रहला, एकदम नरम, एकदम नरम रहला, मुलायम रहे। एकरा पर थोड़ा सा एकर बैटर ले ली, फैला दी एकरा के, एकरा में मसाला डाल दी, अकाज एकरा के लेके पूरा एकदम ऐसे शेप में दे दी। देखिए एकदम अलग हो गई पूरा अच्छा से। अरे भाई तो एकदम जो गुजिया वाला सांचा होला उसे एकदम शेप में बनेला ठीक वैसे ही बनल बा। ओकरा के कर ले जैसे जैसे दही बड़ा जो बा सीख रहा बा एकदम एगो सोना महक और सबसे ज्यादा सरसों तेल के जो झांस होला एकदम वो आ रहा बा। और वाकई में अब हम समझ गए नहीं कि सरसों तेल के इस्तेमाल यहाँ पर काहे हो रहा बा, काहे कि काफी क्रिस्पी फ्राई हो रहा बा और महक भी बहुत बढ़िया। ये सब नदियन व पूर्वज लोग के हमने के जब कुछ सुविधा ना रहे तब भी हमने के सारा कुछ बहुत आसानी से कर लेते रहे। बिल्कुल। अरे वाह एकदम एक रंग बदल गए बा और पक गए बा। हाँ हाँ एकदम सुनहला हो गए बा, निकाले लायक हो गए बा। देखिए बन के एकदम तैयार हो गए बा। एकरा के हल्का सा गुनगुना पानी में नमक डाल के अब भिंगा के रख देवे के पड़ी। एकरा के डाल दी कितना देर खातिर? आधा घंटा मैक्सिमम या 45 मिनट तक। देखिए के पड़ी अपने आप सॉफ्ट होकर फूल के बड़ा हो जाला ये जी, एकदम हिसन हो जाए जैसे हम की पहले से सोक करके रख ले रही। देखिए फूल के भी साइज भी ज्यादा हो गए बा, काफी बड़ा साइज हो गए बा। हाँ सॉफ्ट भी हो गए बा। और एकरा बाद हमने के डायरेक्ट अब गार्निशिंग कर सकी ना, दही डाल सकी। हाँ एवरेस्ट के जीरा पाउडर बा ओकरा के पहले डाल दे मिक्सर में। एवरेस्ट जीरा पाउडर टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अकर काला नमक डाल दी, हरा मिर्च हम रख ले बनी जैसे कि स्वास्थ्य खातिर अच्छा रहला जी। एवरेस्ट का चाट मसाला, चाट मसाला इमें डल रहल बा थोड़ा सा खट्टापन खातिर, पहले ही बहुत ही स्पाइसी प्रिपरेशन बा चाट मसाला, एकरा में और चार चांद लगा दी तभी तो कल जाना कि एवरेस्ट चाट मसाला बोरिंग खाने को भी बनाए टेस्टी। अब इमली की चटनी डाला जाए एकरा में। आ हा, इमली की चटनी एकदम चटपटा बनावे खातिर, काहे कि पूरा स्पाइसी ही प्रिपरेशन रहा, लास्ट में थोड़ा सा मीठापन ऐड कर गेल बा। अब एकरा पे ऊपर से धनिया पत्ता डाल दी। दही बड़ा ऐसे भी लोग के बहुत पसंद रहेला, जरूर एकरा के ट्राई करी। और जो तरह से एकरा के सजावल गेल बा जो गार्निशिंग बा वो ललचावे खातिर एकदम बेस्ट बा, दमदार प्रिपरेशन और दमदार एक स्वाद भी होई, लेकिन स्वाद तो बाद में लिया जाए ना। तो सबसे पहले रोवा लोग देख ली कि एकरा के बनावे खातिर काका सामग्री के जरूरत पड़ी और ये कैसे बनेला। भुनल मसाला खातिर अदरक, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, किशमिश, चिरौंजी,
और नारियल के बुरादा डाल के दरदरा पीस ली। अब एगो कढ़ाई में तेल गरम करी। अब हाथ पर कपड़ा रख के उमे उड़द के मिश्रण फैलाई। उमे मसाला डाल के गुजिया नियन ढक दी। अब ओके तेल में तल ली। बड़ा के निकाल के गुनगुना पानी में डाल के एगो प्लेट में निकाल के ऊपर से दही डाली। ओकरा ऊपर जीरा, काला नमक, हरा मिर्चा, चाट मसाला, इमली के चटनी, धनिया पत्ती डाल के सर्व करी। हमने के एगो ब्रेक ले रहल बानी, बाकी ब्रेक के ऊपर होई हमने के सेगमेंट किचन क्वीन के पसंद, जेमे आज के हमने के किचन क्वीन सुषमा जी बनाई है आपन पसंद के कोई व्यंजन। बताई सुषमा जी, का बना रहल बाड़ी? सूजी के खीर बा, उहे बना के दिखाई रहुआ के आज हम। सूजी के खीर? भाई सूजी के हलवा तो हम सुनले बानी, लेकिन सूजी के खीर पहला बार सुन रहल बानी। अगर रउआ लोग भी इसने सोच रहल बानी तो चौंकी मत, कहीं मत जाए, काहे कि छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर हो रहल बानी और रउआ देखत रही विम घर का तड़का। देसी तड़का विम